right, guys, this is something interesting. अफीम की खेती भी प्राइवेटाइज होने वाली है. बेटा डीजे. Yeah, we're going to talk about it more. And before that, please subscribe the channel and share the video. तो करना. This is an interesting news that I want to share with you guys. Privatization पे हम लोग कितना discuss कर सकते हैं. ये privatize हो रहा है, वो privatize हो रहा है. अब अफीम की खेती भी privatize हो रही है. कैसे कहेंगे हम? Wait, energy. No, no, it's a fact. Just listen to this. Now, private players will produce and process opium. Opium बोले तो अफीम. अफीम बोले तो बहुत कुछ. No. The core reason is for pharmaceutical products. We all know that. Come on. Painkillers, cancer ki dawaiyan, in sab mein jo use hote hain, uske liye government private players ko allow kari hai. And guess what? Who is the first private player? Who? It's Bajaj Healthcare. Har baar Ambani ada nahi hota. Chup raho. Chal pa. So this is the plant of opium, and when it gets dry, it will produce poppy straw. Ye chote particles dekh rahe ho na? इसी से बहुत सारी चीजें बनती है. समझ रहे हो ना? दिस न्यूज इज बिग बिकॉज द फर्स्ट एवर टाइम द गवर्नमेंट इज डूइंग इट. क्योंकि गवर्नमेंट किसी और को हाथ नहीं लगाने देती, क्योंकि पूरे देश में अगर अफीम की खेती होने लगी तो सब रवि शास्त्री बन जाएंगे. इसलिए गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के रेगुलेट करती है. वैसे तीन राज्यों में होती है अफीम की खेती, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान. एंड देयर आर 22 डिस्ट्रिक्ट्स. और बहुत नजर रखी जाती है, सैटेलाइट इमेजेस कैप्चर की जाती है कि कहीं और कोई खेती तो नहीं कर रहा है. एंड सर हिस्ट्री द गवर्नमेंट इज रियली केयरफुल विद दिस स्टफ. मतलब इतना दिया है ओपीएम की खेती करने के लिए तो उससे इतना प्रोड्यूस होगा, उससे कम भी होता है तो बोलते हैं कि भाई कहां है माल, निकाल ऑल माल, किधर है. ये अंग्रेजों के बाद से अब हो रहा है. अंग्रेज बड़े शाणे थे, उन्होंने सबसे पहले बहुत काम की चीज पकड़ ली. उन्होंने कहा इसको पकड़ो, ये काम की चीज है, यहां से जन्नत मिलती है. मजा आया. तो उसके बाद अब पहली बार कोई प्राइवेट प्लेयर करेगा. जो भी हो, इससे ऑब्वियसली थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होगा. इट विल हेल्प अस. द इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग दिस फर्स्ट टाइम, बट दे एक्चुअली डिड द ट्रायल. इट्स अ गुड थिंग. जो गवर्नमेंट है उसका ऐसा है कि हम फटाक से डिसीजन लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि हो क्या गया. अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी, पर यहाँ पे ट्रायल हुए हैं. और एक और अच्छी बात यह है कि इससे चीन पर निर्भरता कम होगी. मतलब आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत. And as you know that China is a hub of pharmaceutical products. बहुत लार्ज क्वांटिटी में हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं. तो अगर ये चीज होगी तो इससे निर्भरता कम होगी. गुड है. सो इट विल हेल्प अस. लेट्स सी हाउ इट विल वर्क. अबाउट वन थिंग इज कॉन्स्टेंट. व्हाट? द सॉन्ग.